2024 का ऐसा कपल है जो कि बदवाओं पे बदवाएं बदवाओं पे बदवाएं ले जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों ले रहा है। कमेंट नंबर 2 तक मासूम दिखने वाली डायन लानत है आपके किरदार पर। ये क्या हो गया लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रही किस किस्म के वो लोग कमेंट, मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट किए थे, मैं 5-6 चुन के बड़े साफ सुथरे कमेंट लेके आई हूँ। इतनी गंदी गंदी गालियाँ, इतने इतने गंदी बातें कि मतलब तुम लोग मुसलमान हो के एक दूसरे मुसलमान को इस तरीके की बातें करें। उसने एक मुसलमान आदमी से शादी की है जिसके साथ वो रह गई थी, उसके साथ उसका गुजारा नहीं हो रहा था भाई, नहीं था। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ इकरा हारून और आप देख रहे हैं इकरा हारून वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो है वो ठीक है और हैप्पी संडे आप सबको। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सना जावेद द कपल, जो कि 2024 का ऐसा कपल है जो कि बदवाओं पर बदवाएं बदवाओं पर बदवाएं ले जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों ले रहा है। मतलब उन्होंने शादी की है, प्यार किया है, शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया है। तो हम लोग पढ़ते हैं सना जावेद को लोगों ने क्या क्या कहा है। मतलब मैंने जब कमेंट्स पढ़े ना तो मेरे तो जो होश थे ना वो दंग मंग रह गए कि मतलब कि लोग कितनी गंदी सोच रखते हैं, मतलब कितना कुछ एक लड़की को कितना कुछ कह सकते हैं सिर्फ जिसने शादी की है। तो देखते हैं उन्होंने क्या कमेंट किए और उनको रिप्लाई देते हैं। तो कमेंट नंबर 1 है कि औरत की असलियत दिखा दी सना जावेद ने। एक लड़के ने कमेंट किया था कि इसने औरतों की जो है असलियत दिखा दी। क्या असलियत उसने, मतलब उसने क्या असलियत दिखा दी है, मतलब ठीक है शादी किया उसने और तो कुछ नहीं किया, किसी का सर तो नहीं फाड़ा मेरे ख्याल से। और कमेंट नंबर 2 तक मासूम दिखने वाली डायन लानत है आपके किरदार पर। ये क्या हो गया लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रही किस किस्म के वो लोग कमेंट, मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट किए थे, मैं 5-6 चुन के बड़े साफ सुथरे कमेंट लेके आई हूँ। इतनी गंदी गंदी गालियाँ, इतने इतने गंदी बातें कि मतलब तुम लोग मुसलमान हो के एक दूसरे मुसलमान को इस तरीके की बातें करें। उसने एक मुसलमान आदमी से शादी की है जिसके साथ वो रह गई थी, उसके साथ उसका गुजारा नहीं हो रहा था भाई, नहीं था कोई गुजारा। 100 इंसान के मसले होते हैं आपस में, आप तुम लोगों को आके वो खोल खोल के सारे मसले बताए भी ये इसमें ये मसला था, इसमें ये मसला था, ये मेरे में ये मसला था, ये पता नहीं क्या है लोगों की सोच। कमेंट नंबर 3 है, जितनी खूबसूरत थी उतनी ही गलत, अच्छा जितनी खूबसूरत थी उतना ही इसने गलत फैसला किया है, पहले वाला ज़्यादा हैंडसम था, ये तो चूहा लगता है, चूहा। अच्छा शोएब मलिक को उन्होंने कहा कि चूहा लगता है, मतलब वो पहले वाला जो हस्बैंड था उसका बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बड़ा हसीन था, जमील था, शफीक था, तो ये जो है ये चूहा लगता है, पता नहीं क्या। और जो आखिरी कमेंट था ना वो ये था कि औरतों के नाम पे धब्बा होती है ऐसी औरतें, आई हेट सना जावेद, मुझे आज के बाद सना जावेद बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की कि लोगों का मसला किस चीज़ का हो रहा है, या वो क्या पता नहीं क्यों क्या मसला हो रहा है। अब उसकी अगर अपने हस्बैंड के साथ नहीं बन रही थी, उससे नहीं आ रहा था, आपस में इन दोनों के एक तरफ आज चल रहे थे, तो फिर उन्होंने सेपरेशन का जो है इरादा कर लिया, फैसला कर लिया, तो इसमें बुरा ही क्या है। अगर वो ठीक रहता कि मतलब एक बंदे के साथ निकाह में रहते हुए भी दूसरे के साथ अफेयर चला रही होती तब भी नहीं था आप लोगों ने छोड़ना। अब अगर उसने उस बंदे को छोड़ के दूसरे बंदे से शादी कर ली है तब भी आप उसे नहीं छोड़े, तो बंदा जाए तो जाए कितने। तो मेरी जो है ना राय वो ये है कि वो तो वैसे तो उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि उसको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है लोग क्या सोचते क्या नहीं सोचते। तो इसलिए जब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो तुम लोगों को किस बात का फ़र्क पड़ रहा है, फ़र्क क्यों पड़ रहा है तुम लोगों को। वो जिस तरीके से चाहे अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है, मतलब उसको पूरा पूरा का मेरा गला बैठ चुका है, मतलब मेरा पहले मेरा फ़ोन बंद हो गया था और अब मुझे वीडियो बनाने लगी तो मेरा गला बैठ गया। तो जो उसकी अपनी चॉइस है कि वो किसके साथ रहना चाहती है किसके साथ नहीं रहना चाहती, अब उसकी नहीं बन रही थी उसके साथ तो उसने उसको छोड़ दिया और शोएब मलिक के साथ उसने शादी कर ली, तो आपको क्या मसला है। अब नेक्स्ट जो है पार्ट 2 बनाऊंगी उसमें हम शोएब मलिक के कमेंट्स पढ़ेंगे कि लोग उनके बारे में क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं, उनके बारे में रच के गंद ही गोला होगा, क्योंकि हमारे जो दिमागों में है ना बड़ा ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है और वो हम लोग ना पोस्ट वगैरह कहीं से जाकर निकालते हैं, तो वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। तो अब लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह।